हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपकी गर्मियों की छुट्टी भी पड़ गई हैं और आम का सीज़न भी आ गया, तो इसीलिए मैं आपके लिए आम पर निबंध लेकर आई हूँ। तो पहली लाइन पढ़ते हैं। आम पीले रंग का एक स्वादिष्ट फल है। दूसरा है, आम गर्मी के मौसम में पाया जाता है। तीसरी लाइन है, आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। चौथी पंक्ति है, कच्चा आम हरे रंग का होता है और पकने के बाद यह पीला हो जाता है। पांचवी पंक्ति है, आम में मुख्य रूप से विटामिन सी पाया जाता है। छठी पंक्ति है, कच्चे आम का अचार, चटनी, सलाद और मुरब्बा बनाया जाता है। सातवीं पंक्ति है, पके हुए आम को ज़्यादातर चूस कर या काट कर खाया जाता है। आठवीं पंक्ति है, आम स्वादिष्ट होने के साथ ही सेहत के लिए भी लाभदायक है। नौवीं पंक्ति है, आम की गुठली से ही आम का पेड़ बनता है। दसवीं और अंतिम पंक्ति है, आम भारत का राष्ट्रीय फल है। अब सभी बच्चे मेरे साथ आम का निबंध पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहली पंक्ति है, आम पीले रंग का एक स्वादिष्ट फल है। आम गर्मी के मौसम में पाया जाता है। आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। कच्चा आम हरे रंग का होता है और पकने के बाद यह पीला हो जाता है। आम में मुख्य रूप से विटामिन सी पाया जाता है। छठी पंक्ति है, कच्चे आम का अचार, चटनी, सलाद और मुरब्बा बनाया जाता है। सातवां है, पके हुए आम को ज़्यादातर चूस कर या काट कर खाया जाता है। आठवीं पंक्ति है, आम स्वादिष्ट होने के साथ ही सेहत के लिए भी लाभदायक है। नवीं पंक्ति है, आम की गुठली से ही आम का पेड़ बनता है। दसवीं और अंतिम पंक्ति है, आम भारत का राष्ट्रीय फल है। तो बच्चों, ये आम का निबंध ध्यान से पढ़िए और इसको अपनी कॉपी में लिखिए व याद कीजिए।